Assalamualaikum guys, it's me, your boy Adil, और अब हम जा रहे हैं इस टाइम कुछ खाने क्योंकि हमें बहुत शदीद किस्म की भूख लगी है जो हम दोपहर से बर्दाश्त कर रहे हैं। Assalamualaikum guys, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक हैरियत से हैं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घर पे सेफ होंगे, हर हैरियत से होंगे। तो बात कुछ यूँ है कि हम लोग अपने जो वेलफेयर शॉप है जिसको आप सी मॉल भी कहते हैं, एट डिव भी कहते हैं, या उसको जो मार्केट है मैकडॉनल्ड्स वाली वो भी कहते हैं, मतलब काफ़ी डिफरेंट सारे नाम हैं, आप जिसको जिस तरह समझ आ जाए। तो वहाँ से हम लोग घर जा रहे थे कि अचानक हमें रास्ते में लग गई भूख, जो कि हमें हर दफ़ा ही लगती है, और वहाँ से हमने टर्न कर लिया सदर बाज़ार की तरफ। अब सदर बाज़ार पहुंच के हमारा, बल्कि इन भाई साहब का जो है ये मूड बना कि क्यों ना आज हम आपको जो बग्गा दाल चावल है वो खा के दिखाएं और उसका जो रिव्यू है वो आपके साथ शेयर करें। लेकिन फिर मुझे अचानक से याद आया कि कल रात को मैं, जो हमारे एक पाकिस्तान के व्लॉगर हैं RHS, नाम मुझे उनका पूरा नहीं याद, राना हसन समथिंग ऐसे कुछ नाम है, तो उनका मैं रात को व्लॉग देख रहा था। तो वो, उन्होंने अपने व्लॉग में सियालकोट को एक बार विज़िट किया था, और यहाँ पे एक सिटी साइड पे एक जगह है, वहाँ पे एक बाज़ार है जिसको सिटी बाज़ार कहा जाता है, तो उसके बाहर एक सज्जी वाला है जिसको उन्होंने ट्राई किया था। तो आज हम जाएंगे उस जगह पर जहाँ पे वो सज्जी मिलती है, मुझे उस रेस्टोरेंट या जो भी वो है चीज़ जगह लोकेशन उसका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, ये तो वहाँ जाके ही देखेंगे हम कि उसका क्या नाम है उस जगह का। तो इस वक्त हम लोग शहाबपुरा रोड पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट पे जो है वो जो पॉइंट है उसका सज्जी वाला वो आएगा, और लेफ्ट साइड पे है हमारी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी किसी ज़माने में, अब तो नहीं है। ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इस वक्त, सिटी साइड पे इतना ट्रैफिक है जिसका हिसाब नहीं है। कैंट में तो खैर सब कुछ बंद हो चुका है, इवन के रोड्स भी सुनसान ऑलमोस्ट हैं। ये है सियालकोट का सागा चौक, और यहाँ से हम जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और फिर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा सिटी बाज़ार। तो आपने वीडियो कब देखी थी? कल रात को वीडियो देखी थी, पर यहाँ पर तो इस किस्म का नामो निशान नहीं है सज्जी का, जो इसकी आप बात कर रहे थे वो सज्जी वाला किधर ही था? नहीं मतलब वो कब, उन भाई ने जो भी आपके यूट्यूबर भाई ने किस, हाँ कब उन्होंने आके खाई थी यहाँ से? वो तो पुरानी बात है काफी। कितनी पुरानी बात है वो? ये नहीं, मुझे मैंने बस कल देखी थी। अच्छा वो पुरानी बात है, आपने कल वीडियो देखी तो आप मुझे यहाँ पर इतनी दूर ट्रैफिक से खज्जल कर आ गए यहाँ पर लेके आ गए। मैंने कहा उधर ही होगा, उसने कहाँ जाना है। सही है, ठीक हो गया। तो बात यह है कि हम लोग वहाँ गए थे लेकिन वहाँ पे ना सज्जी था, ना खब्बी थी, ना सज्जी थी, कुछ नहीं वहाँ पे मिला। तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुनसान मार्केट थी और कुछ फ्रूट्स वाले जो हैं वो बाहर खड़े हुए थे। मे बी वो जो बंदा है वो शायद मॉर्निंग टाइम में वहाँ पे होता है, या मे बी उसकी लोकेशन चेंज हो चुकी है, मुझे नहीं पता। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं घर की तरफ ही। अच्छा हाँ, तो रास्ते में कुछ इस काबिल आया जो कुछ नया हुआ जो हमने ट्राई ना किया वो तो कर लेंगे, अदरवाइज जो है हम घर की तरफ ही जाएंगे, घर जाके चनों की दाल बनी है वो खाएंगे। बात कुछ यूँ है कि वो जो सब्जी है ना वो इतनी उस वीडियो के अंदर प्यारी जूसी मज़े की लग रही है ना कि हम दोनों के मुँह से उसका जो टेस्ट है ना, हमने यार खाई तो नहीं लेकिन देख देख के जो टेस्ट आ रहा है वो ही नहीं जा रहा। तो फिर मैंने दोबारा से वो वीडियो ओपन की जो कि 2018 की थी, 2018 की वीडियो, और आप 2020 जा रहे हैं और ये मुझे अब लेके आए भाई उधर एक सज्जी वाला जो मैंने रात को वीडियो देखा और सज्जी खा के आते। असल में इनका कसूर नहीं है, कोरोना की वजह से घर रह रहे हैं ना, इनका दिमाग ख़राब हो गया। तो मैंने जो है वो गूगल पर सर्च किया दस्तगीर अल दस्तगीर समथिंग, तो आगे आ गया जी दस्तगीर सज्जी लाहौर समथिंग, इस तरह कुछ नाम आ गया था। मैंने फिर उस बंदे को कॉल की और मैंने कहा कि मतलब कि आप कौन बात कर रहे हैं, अल दस्तगीर से बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं दस्तगीर सज्जी हाउस से ही बात कर रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा तो आप कहाँ पे, आपकी लोकेशन कहाँ पे? तो उन्होंने कहा अभी फ़िलहाल हमारा जो स्पॉट है वो बंद है,
हम लोग ईद के बाद जो है वो उसको रीओपन कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं, कंटिन्यू बेसिकली वो ईद के बाद कर रहे हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि आप दस्तगीर वाले बात कर रहे हैं या अल दस्तगीर वाले बात कर रहे हैं, तो उन्होंने नागर से बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया कि वो जो मेरी वीडियो आई थी उसमें अल दस्तगीर था, लेकिन जो प्रॉपर नेम है वो दस्तगीर है। मतलब उन भाई को पता था कि वो यूट्यूब पर वायरल हो चुके हैं। तो अब रास्ते में जो है वो कैंट की तरफ जाते हुए हमें तंदूरी शवारमा की शॉप जो है वो नज़र आई है, जो कि ये है छोटी सी। तो आज हम इसको ट्राई करेंगे कि इसके जो शवारमाज हैं वो किस तरह के होते हैं, और अभी जो हमने ऑर्डर दिया है वो क्या दिया है, दो जो हैं वो तंदूरी शवारमाज हैं। ऐसी बात है, ठीक हो गया। तो अब हम ज़रा उन शवारमाज का वेट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हमारे जो तंदूरी शवारमाज हैं ये आ चुके हैं, और जो इसका फर्स्ट बाइट है वो आपको आदिल भाई लेके बताएंगे कि जो इसका टेस्ट है वो कैसा है। भाई अब आप अपने शवारमे का फर्स्ट बाइट लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा स्पाइसी है। लेकिन टेस्ट वाइज कैसा है? टेस्ट तो मुझे फिलहाल आया नहीं है। अच्छा, स्पाइसी बस लग रहा, कुछ फीका 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 सा ये शवारमा है, फीकी फीकी सी इसके अंदर चिकन है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे पास जो है ना मिर्ची सी लग रही है और मुझे कोई टेस्ट फिलहाल नहीं आ रहा। चलो, टेस्टलेस लग रहा मुझे। तो आदिल भाई को जो है वो तो लगा है टेस्टलेस, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगा फर्स्ट बाइट विदाउट द सॉस एंड द सेकंड वन विल बी विद द सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो समझ नहीं लगी मिर्ची क्या आ रही थी, कुछ ऐसे स्पाइसी से। मैं सॉस सर चेक करता हूँ। तो टेस्ट एज इन के मतलब स्पाइसी भी नहीं है, फीका भी नहीं है, मतलब बस इन बिटवीन है। मतलब बस ये है कि चिकन का टेस्ट आ रहा है कि हाँ चिकन है इसके अंदर, अदरवाइज स्पाइसी नहीं है, बहुत कम फ्लेवर है, बहुत कम। बहुत माइनर सा फ्लेवर है, या आप कह लें कि बहुत लाइट फ्लेवर है कि जो आपको फील भी नहीं होता। तो तंदूरी शवारमा जो है वो हम खा चुके हैं। फर्स्ट बाइट में तो टेस्ट समझ नहीं था आया, और पता भी नहीं चल रहा था कि टेस्ट है भी कि नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर 2 or 3 बाइट्स फिर ब्रेड का भी टेस्ट आने लग गया था। और एक सेकंड यहाँ पे कुछ हुआ है। मैं बात कर रहा था टेस्ट की कि एट फर्स्ट जो है वो पहली दूसरी बाइट में टेस्ट का कोई इतना खास जो है वो समझ नहीं आई थी, लेकिन आफ्टर 2 or 3 or 4 बाइट्स जो है वो टेस्ट का कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जो उसका जायका है वो ज़ुबान पे आ रहा था। नॉट वेरी बैड, बस ठीक था, अच्छा था। आज का जो खाना है, खाना पीना वो यहाँ तक ही है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए तो हर बार की तरह अपना बहुत सारा बसते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। Assalamualaikum guys, it's me, your boy Adil, और अब हम जा रहे हैं इस टाइम कुछ खाने, क्योंकि हमें बहुत शदीद किस्म की भूख लगी है जो हम दोपहर से बर्दाश्त कर रहे हैं। और अभी मुझे हरारा भाई ने एक जगह का बताया है जहाँ से मिलती है सज्जी, जो कि उन्होंने खुद ही देखी है कहीं से, और अभी हम सज्जी खाने जा रहे हैं। और सज्जी खा के हम उसके साथ आपके साथ उसका व्यू शेयर करेंगे, उसका टेस्ट शेयर करेंगे, सब कुछ उसका हम शेयर आपके साथ करेंगे, क्योंकि हम गाइस आप लोगों के लिए ट्रैवल करते हैं, हम आप लोगों के लिए खाते हैं, ताकि हम अपने भाइयों को टेस्ट बता सके, जगह बता सके, ताकि वो भी हमारी तरह एंजॉय कर सके। से ट्यून। मेरा ख्याल है कि हम ये सब कुछ कर चुके हैं, अब हम एंड करने लगे हैं, स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। वो
तो आज का जो व्लॉग है वो हमारा यहाँ तक ही है। हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसे कि और मेरे मुंह के ऊपर लाइक का बटन नहीं का बटन आ रहा था। Till next video, take care and और आगे आ रहा है शालपा, वहाँ पर है बॉय सन्स और बॉय सन्स से मिलते हैं हरे भरे गुलाब जामुन। इधर वो है नाइट स्वीट्स। एक मिनट ठहर जाए, अल्लाह हाफिज़। नहीं तो रुक जाए अभी कुछ रहता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ठहर जाए। हम जहाँ पे आए हैं उस जगह का आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे है इनायत बेकरी, मेरी बैक साइड पे शेल पंप पे सियालकोट। अब हम जाएंगे इसके अंदर, वो भाई साहब जा चुके हैं और हम कुछ मीठा मीठा जो है वो खाएंगे। कैमरे में देखा था जल्दी जी। आदिल भाई इस वक्त जो है ना चिकन को बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। और यहाँ से हम लोग लेंगे रस मलाई। नहीं ब्राउनी नहीं, ये वाली करनी है, चॉकलेट वाली। इधर ही कर दो आप प्लेट में। हाँ ये तो खाने लाओ नहीं है, डब्बा जाया करोगे यार। आप क्या देखे जा रहे हैं उसके अंदर। तंदूरी शवारमा के बाद अब हम लोग गए थे बॉय सन्स की बेकरी पे, तो वहाँ से हमने दो रसमलाई के बॉक्स लिए जिनमें टू पीसेस हैं और प्लस इसमें चिकन दाबू हैं थोड़े से, और एक हमने ली है पेस्ट्री ड्रमस्टिक है, जो कि इसके अंदर जब मैं दिखा तो नहीं सकता। तो सबसे पहले हम लोग खाएंगे पेस्ट्री। ठीक है पेस्ट्री। और ये मेरी बैक साइड पे एक नया मॉल खुल रहा है सियालकोट में, जो कि बहुत बड़ा है और यहाँ पे काफ़ी कुछ होगा देखने को जब ये बनेगा। अब ये नहीं पता कि कब बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है माशाल्लाह, एंड इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये थी जी वो पेस्ट्री, ये है रसमलाई, और आप क्या खा रहे हैं। ड्रमस्टिक है चिकन दाबू। अस्तग़फिरुल्लाह। तो खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, काफ़ी सारा हो चुका है। और रिव्यूज़ के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम बहुत रेगुलरली पोस्ट डालते रहते हैं। आज का व्लॉग यहाँ तक ही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।